दोस्तों आज मैं फिर आपके साथ एक नए तरीके से मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत आसान है। दोस्तों यही मिठाई आप मार्केट से लेने जाएंगे ना, ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है, लेकिन आप इसे घर पे बिल्कुल सस्ते में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए ना घी चाहिए, ना चाशनी बनाने का झंझट है और ना ही चाहिए मावा। सिर्फ 5 मिनट में आप इस मिठाई को बहुत कम चीज़ों से बनाकर तैयार कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आरएसपी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बिल्कुल नए तरीके से बिना कोई झंझट स्वीट रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप झटपट से घर में बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है मिश्री का पाउडर। वैसे आप यहाँ पे चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं। मैंने पहले से ही मिश्री का पाउडर बना के रखा हुआ था, तो इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ हो गई हैं, इसे अच्छे से छान लेंगे। वैसे जब भी आप चीनी या मिश्री का पाउडर बना के रख लेना, तो इसे अच्छे से छान लें, क्योंकि ज़रा सा भी हवा लग जाने से मिश्री पाउडर हो या शुगर पाउडर, इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 3-4 टेबल स्पून दूध पाउडर। दूध पाउडर आप किसी भी शॉप पे जाएंगे ना तो आराम से मिल जाएगा। वैसे आप चाहें तो जो 5 रुपए का पैकेट आता है ना दूध पाउडर वाला, तो उसे भी आप लेकर इस मिठाई को बना सकते हैं। वैसे बिना दूध पाउडर का भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन दूध पाउडर से थोड़ा क्या है कि इसमें मावा जैसा टेस्ट आ जाता है, इसलिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। फिर हमने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, इसे भी हम 4-5 चम्मच डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों, जब मैंने मिश्री का पाउडर बनाया था ना, तो साथ में 3-4 इलायची को भी साथ ही में पीस लिया था। वैसे आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो बस इन सबको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। और यहाँ देखिए, मैंने लिया है एक सीक्रेट चीज, यानी कि ब्रेड। आज हम इस मिठाई को ब्रेड से बनाएंगे दोस्तों, और बनेगी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ब्रेड ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ 7-8 व्हाइट वाले ब्रेड ले लिए हैं, और अब इसके साइड के ब्राउन पार्ट निकाल देंगे। दोस्तों आप चाहें तो इसका साइड बिना निकाले भी बना सकते हैं, या फिर ब्राउन ब्रेड के साथ भी इसे बना सकते हैं। स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा, बट थोड़ा कलर इसका डल हो जाएगा और सफ़ेद कलर में थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा ये मिठाई। तो इसके सारे साइड्स निकाल देंगे और ब्राउन पार्ट जो है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे चाय के साथ खा लेंगे या फिर दूसरी रेसिपी बनाने में यूज़ कर लेंगे। तो बस इसके सारे साइड्स निकालने के बाद मिक्सी जार में हम इसे रफली तोड़कर डाल देंगे, क्योंकि हमें इसे पीसना ही है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अच्छी लग रही है हाथों से, तो प्लीज कर लेंगे कमेंट करने में, बिल्कुल कोई कंजूसी ना कीजिएगा। हाँ दोस्तों, एक चीज और बता दूं आपको, इसे मैंने अच्छे से बिल्कुल बारीक पीस लिया है, या फिर आप इसे दूध पाउडर के साथ भी दरदरा नहीं पीसना है, एकदम बारीक पीस के लेना है ना। और जो हमने मावा के साथ भी तैयार किया था ना, क्योंकि इसी में मावा से बनी हुई मिठाई है और भी ज्यादा स्वादिष्ट होती है। क्योंकि हमें इन सबके साथ इस मिठाई में आप अपने हिसाब से चीनी या फिर मावा दूध पाउडर मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने इसे बहुत सस्ते में और बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताया है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा लाजवाब होता है, एक बार आप बनाएंगे ना तो इसके दीवाने हो जाएंगे। फिर मैंने लिया है दूध की मलाई, ये मैंने बिल्कुल ताजी दूध की मलाई ली है। आप चाहें तो 1-2 दिन पुरानी मलाई भी ले सकते हैं। तो 2-3 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे करके ही हम मलाई को डालेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो मिक्सचर ये गीला हो सकता है। बस अच्छे से बाइंड हो जाए उतना ही हम इसमें मलाई डालेंगे। वैसे दोस्तों आप चाहें तो मलाई के जगह पर नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं और इस मिक्स को तैयार कर सकते हैं। बिना मलाई बिना घी नॉर्मली आप दूध से भी इस मिक्स को तैयार कर मिठाई बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छा सा हमारा ये मिक्स तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके 3 पार्ट करेंगे और तीनों भाग इसके इक्वल होने चाहिए, यानी बराबर बराबर में हम तीनों मिक्सर को कर लेंगे। और अब क्या करेंगे कि अब हम इसमें तीनों में अलग अलग कलर मिलाएंगे, यानी 3 रंगों वाली बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे हम। वैसे आप इसे 3 रंगों वाली तिरंगा मिठाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 15 अगस्त स्पेशल मिठाई बना रही हूँ, तो वही सब कलर हम इसमें यूज करेंगे जो हमारे तिरंगे में होते हैं। 3 पार्ट में से हम 2 में कलर मिलाएंगे और एक ऐसे ही सफ़ेद रहने देंगे। तो देखिए ऑरेंज कलर यानी केसरिया कलर को हमने 2 बूंद डाला है और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही 2 बूंद मैंने
साथ ही हरे रंग को भी मैंने दो बूंद डाला है। ऑरेंज वाला मिक्स करने के बाद हरा वाला भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक दूसरे में कलर मिले ना, इसका ध्यान रखेंगे। ये थाली बड़ी थी इसलिए मैंने तीनों कलर इसी में रखे हुए हैं। तो फाइनली अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो आइए नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ मिठाई को जमाने के लिए बटर पेपर लगाकर इस डब्बे को तैयार कर लिया है। आप इस मिठाई को जमाने के लिए किसी भी कंटेनर का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने पहले ग्रीन कलर को नीचे के तरफ जमा दिया है, फिर बीच में हम रखेंगे सफेद वाला पार्ट। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। फिर इस तरीके से थोड़ा हम चपटा कर लेंगे और ये ऑरेंज यानी केसरिया वाले पार्ट को भी हम ऊपर से ऐसे सेट कर देंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से इसे सेट कर लेना है, बहुत आसान तरीके से हो जाता है दोस्तों, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। फिर ऊपर से हम इसे इस पेचुला से बिल्कुल चिकना कर देंगे, देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास बटर पेपर या फिर रैपिंग पेपर नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, जिस बर्तन में आपको मिठाई जमाना है उसमें आप थोड़ा सा घी या तेल लगा लीजिए और उसी कंटेनर में आप मिठाई को सेट कर दीजिए। आराम से ये मिठाई सेट हो जाती है। तो बस इसे ऐसे ही हम ऊपर से, थोड़े बटर पेपर अधिक थे तो हमने ढक दिया है। आप इसे ऐसे भी किसी भी प्लेट या इसके लीड से ढककर रख सकते हैं। तो इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप चाहें तो इसे बाहर ही 10-15 मिनट के लिए रख दीजिए, आराम से ये मिठाई सेट हो जाती है। तो आइए इसे चेक कर लेते हैं और मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 15 अगस्त स्पेशल यह मिठाई की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज आजादी के नाम एक छोटा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, अब मिठाई के ऊपर से बटर पेपर को हम हटा देंगे। इसे मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए ही फ्रिज में रखा था और ये कितने अच्छे से सेट हो चुकी है। अगर हम इसे आधे घंटे के लिए रखे होते ना तो ये और भी ज्यादा अच्छे से सेट हो जाती। तो आइए इसे और भी ज्यादा टेम्पटिंग और मार्केट जैसा लुक दे देते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा चांदी के वर्ब से सजा लेंगे जिससे ये मिठाई और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी। वैसे इसे लगाना पूरी तरह ऑप्शनल है दोस्तों, चांदी का वर्ब लगाना बहुत ही ज्यादा टफ काम है। मेरे लिए तो वाकई में बहुत ही ज्यादा टफ है क्योंकि ये इतना उड़ता है, हाथों में चिपकता है, बहुत ही मुश्किल होती है इसे लगाने में। जब भी आपको चांदी का वर्फ लगाना है बहुत सावधानी से और फैन बंद करके ही लगाएं। तो बस वर्फ लगाने के बाद हम इसके पीसेस कर लेंगे। आप अपने मन पसंद इसे पीस में काट सकते हैं। दोस्तों अभी 15 अगस्त आने वाला है, इसके बाद रक्षाबंधन, हरितालिका तीज और गणपति बप्पा की पूजा आने वाली है, यानी इस पूरे महीने हमें एक से एक मिठाई मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल पे बहुत सारी मिठाइयाँ अपलोडेड है, आप उन वीडियोस को देखकर अपने घर में बाजार से भी टेस्टी और सस्ते में आसान तरीके से कई तरह की मिठाइयाँ बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। देखिए मैं इसे आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ कि मिठाई कितना अच्छा बना हुआ है। और आपने देखा ना, बिल्कुल भी नाइफ में काटते वक्त चिपक नहीं रही थी। और इसे बनाना कितना आसान है, ना ही गैस चलाना है और ना ही चाशनी बनाने का झंझट। बिना घी, बिना मावा आप इस रेसिपी को बहुत सस्ते में फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे और मेरी कोई भी रेसिपी आपसे छूटने न पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नई और यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।